हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है कबूतर केयर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर के बच्चे को जो चिकन पॉक्स हो जाती है, फुंसी हो जाती है चोंच पे, पाँव पे प्लस पीछे, तो उसका इलाज कितनी जल्दी करें कि जिससे कबूतर अपना सही हो जाए। ठीक है, और जब ये चिकन पॉक्स जब होती है ना कबूतर के बच्चे पे, तो ये मान के चलिए आप कभी चोंच पे हुई तो परेशानी हो गई, ठीक है, पीछे हो गई तो परेशानी हो गई, और उसके अलावा कभी टांग पे हुई तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कबूतर सहन कर लेता। बाकी जब कबूतर के पीछे जब चिकन पॉक्स से फुंसी होती ना, तो कबूतर लुस्त हो जाता है, बीमार पड़ जाता है खास तौर पे, और दाना पानी भी नहीं खाता, खत्म समझता था, ख़त्म टाइप का हो जाता हो। तो ऐसा क्या इलाज करें जिससे अपना कबूतर को चिकन पॉक्स से फुंसी हो गई तो उसको वहीं कोई रोक ले, वहीं कोई सुखा दे, वहीं कोई सुखा के गिरा दे फुंसी को, ऐसा हम क्या करें? तो भाई बता दूँ, कभी आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दी गई बेल आइकन घंटी को आप प्रेस कर दीजिए। जब भी दोस्तों ये होगा कि वीडियो हम आपके लिए डालेंगे तो आपके पास हमारी अपडेट आपके पास आराम से आ जाएगी। तो आप ध्यान रखो, चिकन पॉक्स का इलाज कैसे करें, वो वैसे भी काफ़ी भाई कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि वसीम भाई इलाज बताइए। तो आज की वीडियो में हम भाई को इलाज बताएंगे। उससे पहले आप सबसे पहले आप क्या करो, आपके दड़बे में साफ सफाई रखो। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपके सेटअप में आप साफ सफाई रखेंगे ना तो ये चिकन पॉक्स आपके कबूतर के बच्चों पे नहीं होंगी। साफ सफाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गर्मियों में गंदगी होती है दड़बों में, सेटअप में, ठीक है, मच्छर हो जाते हैं। तो ये मच्छरों के जो मच्छर काटते हैं ना बच्चों की, वो बहुत नाजुक होती है, स्किन नाजुक होती है, जब मच्छर काटते हैं तो वो फिर फुंसी बन जाती है, वो बढ़ते 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 वो बढ़ती चली जाती है वो फिर काफ़ी। और ये गलती कहीं मत करना, फुंसी को फोड़ना कभी मत। कभी आपने सोच लिया कि यार हम तो फुंसी को फोड़ लेते हैं भाई, तो मेरा भाई उससे ना कबूतर ना, आप कबूतर को जब पकड़ोगे जब उसको फुंसी को, तो कितना काफ़ी दर्द होगा मेरा भाई, यार तुम कुछ सोचो ना यार। तो ये गलती कभी मत करना, थोड़ा 1 से 10 दिन का इलाज होता है, इंशाल्लाह कबूतर उसमें सही हो जाता है। बाकी ये गलती मत करना भाई, कभी भी कबूतर को पकड़ के आप चोंच पे फुंसी फोड़ रहे हो, टांग पे फुंसी फोड़ रहे हो, ये गलत है। काफ़ी जगह हमने देखे, काफ़ी जगह हमने हमारे एरिए में सुने हैं, तो आप भी ऐसा कभी करते होंगे तो आप ये गलती मत करना। आप 2 मिनट के लिए मान लीजिए, या अपने हल्की सी चिमटी खोल के देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको इतनी चिमटी आप खोलोगे ना तो उतने में आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार मेरे को तकलीफ हुई है, तो वो तो छोटा सा मासूम परिंदा है दोस्तों यार। तो आप आजकल इलाज ही निकल गए, या देसी इलाज भी आ रहे हैं, मेडिसिन वाले इलाज भी आ रहे हैं, तो आप वो करो यार, उसका इलाज करो, इंशाल्लाह कबूतर आपका सही होगा यार। तो आपको करना क्या है, हम आपको आपके स्क्रीन पे गोली का पत्ता शो कर देंगे, इतना देख लीजिए, बैंडेड 400। नाम से देख लीजिए, स्पेलिंग आप लिख लीजिए, बैंडेड 400। और ये आपको देना कैसा है, ये आपको इस तरीके से देना है कबूतर को, एक गोली में से छठा भाग छठवा भाग देना है कबूतर को, सुबह शाम। ये जब तक के देना है, जब तक कबूतर की फुंसी सूख नहीं जा रही है, झड़ नहीं जा रही है, कम से कम मिनिमम मांगे चलो 1 हफ्ता या 10 दिन, मैं गारंटी के साथ कबूतर की फुंसी
कई फुंसी इतनी बड़ी है तो वहीं रुक जाएंगी, बढ़ेंगे नहीं, वहीं झाड़ के टपक जाएगी। या आपको डेली सुबह शाम आपके पास, इतना बड़ा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छठा भाग ही देना है, सुबह शाम देना है। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में कबूतर की जो पुंसी है ना वहीं सूख जाएंगी या झाड़ के गिर जाएंगी। और उसके साथ और क्या देना है, उसके साथ और क्या ऐसा लगाए कि जिससे और अपनों को जल्दी फ़ायदा हो। तो आपके स्क्रीन पे हम एक टीव शो कर रहे हैं, देखिए आप टीव का नाम पढ़ लीजिए भाई, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, NEOSPORIN सिम्प्रॉन। ये जो है टीव है ना भाई, अब ये टीव का में क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। ये टीव आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको मिलेंगे अपने इंसानों के मेडिकल पे। और ये टीव के क्या फ़ायदा है ख़ास तौर पे आपके लिए भी, जैसे ये टीव को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं परिंदे के लिए बता देता हूँ कि ये कबूतर को आपको दिन में 2 टाइम लगाना है, हल्का सा टीव निकालना है, जहाँ फुंसी है वहाँ लगा देना है, सुबह शाम भी आपको रेगुलर करना है, एक हफ्ते 8 दिन 10 दिन आपको जब तक कबूतर की फुंसी वहीं सूख नहीं आ रही, वहीं झड़ नहीं आ रही, आपको रेगुलर करना है। और ये जो टीव जो है, ये मान के चलो जैसे कि ये जो टीव जो होता है, टीव काम ये है कि जैसे कि आपको खरोच लग गई, जख्म का टीव है ये, फुंसी फोड़े का टीव है ये, आप चाहो तो मेडिकल से पूछ लेना भाई ये टीव किस काम में आता है, वो यही बोलेगा कि भाई ये अपने को जख्म लग गया है या कुछ जल गया है या फुंसी हो गई या फोड़े हो गए, ये टीव इस काम में आता है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये टीव आपके स्किन फिर में से शो कर रहा हूँ, इत्मीनान से स्पेलिंग देख लीजिए और मेडिकल से आप ये टीव ले आओ, इंशाल्लाह कबूतर आपका 8 से 10 दिन में फुंसी झड़ा देगा। वो कोशिश करो यार, कोशिश करना आपके हाथ में है और हमारे हाथ में है, ये गलती कहीं मत करना कि कबूतर को पकड़ गए फुंसी फोड़ रहे हैं, जहाँ फुंसी है पीछे फुंसी है तो पीछे पीछे पकड़ के उसको दबा दबा रहे, तो क्या यार हमारे खंडवा में कुछ बगले टाट ऐसी है, बगले हमारे खंडवा में कुछ ऐसी है जो हाथ से ही फोड़ लेते हैं भाई, हम तो हाथ से फोड़ लेते हैं हर हफ्ते। अब मेरा मामू थोड़ा सा दिमाग अकल दौड़ाओ, मासूम परिंदे है वो, मैं अपना खंडवा बता रहा हूँ, हो सकता है आपके सेहरे में कुछ ऐसे बंदे होंगे, तो भाई आप थोड़ा सा ठंडा खाओगे ना तो कबूतर आपका जल्दी सही होगा, और आपने गर्म खाने की सोचे तो आपको तो झटका लगेगा साथ में कबूतर को झटका लगेगा। तो आप ये और जो गोली आपको है तो समझ लो यहाँ जानवर के मेडिकल होते हैं, भैंस गाय बकरी के, ये गोली तो आपको वहाँ आराम से मिल जाएंगी, वो टीव आपको इंसानी के मेडिकल में मिलेगा, वो टीव को आप भी यूज़ कर सकते हो। यानी आपके हाथ में लग गई या आपको फुंसी हो गई तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो सुबह शाम, इंशाल्लाह आपके भी चेहरे पे या कहीं खरोच पे हाथ जल गया है या आपके ऊपर भी टीव इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ टीव, गोली इस्तेमाल नहीं करना भाई है, सिर्फ टीव आपके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये टीव आपको इंसानों को मेडिकल पर मिलेगा, जाके ले आओ अभी इस वक्त जाके ले आओ और अभी से आप ट्रीटमेंट चालू कर दो, आपके कबूतर का बच्चा ओके हो जाएगा। बस आप दड़बे में साफ सफाई रखो, और हमने वीडियो बनाए भी थे फिनाइल की गोली जो अपन कपड़ों में रखते हैं, गोदरेज में रखते हैं, फिनाइल की गोली की पोटली बना बना के हर एक बच्चा दड़बे में रख दो आप, उससे मेघ से मच्छर भग जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, घर छोड़ के बाहर भग जाएंगे भाई, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखो यार। ठीक है भाई, ये वीडियो में हमने आपको ये बताया, और आने वाली वीडियो में और कुछ भाई नॉलेज देंगे और आपसे लेंगे। ठीक है भाई, जब तक कि अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना भाई लोग, सही भाई को अल्लाह हाफिज़।